तो दोस्तों आप अभी देख रहे हैं अल्टो K10 VXi+। ये भी न्यू लॉन्च हुई है और ये 18 अगस्त को लॉन्च होगी, तो इसके पहले आपको वीडियो देखने को मिल रहा है। तो ये आप फ्रंट का बम्पर देख रहे हैं, ठीक है। इसमें इसका लुक काफ़ी चेंज हो चुका है और इसका कुछ लुक जो है आपको सेलरियो के जैसा दिखेगा, तो काफ़ी अट्रेक्टिव दिख रहा है। और ये आप देख रहे हो, ये आपका साइड लुक है। इसके अंदर आपको जो होता है ये टील लैंप दिख रहे होंगे आपको, और इसमें 13 इंच के जो ओला है अलाइव व्हील है इसके अंदर, ठीक है। 13 इंच के मिलेंगे इसके अंदर। और हम फ्रंट में देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। और ये 18 अगस्त को लॉन्च होने वाला है, तो हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, तो आप देख लीजिए। और रही बात प्राइस की, तो प्राइस हो सकता है 40 से 50 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है। और ये विंडो देख लीजिए, विंडो भी नॉर्मल रहेगा, इसमें 1 लीटर की बॉटल रख सकते हैं। और फ्रंट जो होता है विंडो, आपको विंडो कवर मिलेंगे पूरे, और ये सीट एडजस्टेबल नहीं रहेगा इसके अंदर। और साथ ही साथ में जो ये की देख रहे हो, कि नॉर्मल की है सेंटर लॉकिंग के साथ में, जो पहले आती थी वही की है, कुछ स्पेशल नहीं है। और ये आपको म्यूजिक सिस्टम पूरा मिलेगा, कंट्रोल सिस्टम पूरा आपको स्टेयरिंग के ऊपर। और ये पूरे AC कंट्रोल है आपके, जिसके द्वारा आप पूरे कर सकते हो। और यदि चैनल पे नए आओ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये पूरी की पूरी चीज़ आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर। कंट्रोलिंग आपको पूरे की पूरे जो होता है स्टीयरिंग पे मिलेंगे देखने के लिए। अब मैं इसको ऑन करके बता देता हूँ आपको। पूरा की पूरा जो होता है आपको डैशबोर्ड के ऊपर जो होता है कंट्रोल के अलावा, ये पूरा डिजिटल मिलेगा। ट्रिप मीटर, ये मीटर, और उसके बाद में जो होता है आपको पेट्रोल मीटर, फिल्टर, ये सब आपको रिटर्न मिलेंगे। और ये है बॉक्स, काफ़ी अच्छा स्पेस है इसके अंदर। और म्यूजिक सिस्टम आपको एप्पल और एंड्रॉयड, ये दोनों वाला मिलेगा। और इसके अंदर आपको 12 वाट का सॉकेट भी है और USB चार्जर भी है। इसमें कोई भी स्टोर आप रख सकते हैं बॉटल वगैरह। और ये आपको एंड्रॉइड में बता चुका हूँ, ये एप्पल कार और एंड्रॉइड दोनों ही सपोर्ट करता है। और ये है, यहाँ पर माइक मिल जाएगा आपको, यहाँ पर लाइट मिल गया, या आगे आपको फोग लैंप मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये न्यू अल्टो VXi+ मॉडल है। अब हम पीछे का जो व्यू देख लेते हैं, पीछे कितनी क्या स्पेस है। और चाबी तो नॉर्मली ही है, जो पहले हमारी आती थी वही चाबी है। तो पीछे क्या है क्या नहीं ये आपको देख लेते हैं। मुझे कुछ खास नहीं लगा जितनी उम्मीद थी अल्टो न्यू मॉडल से, बाकी उस तरह का मॉडल नहीं मिला। पीछे आपको जो होता है मिरर जो होता है आपको हैंड से करना पड़ेगा, पावर मिरर नहीं है। और स्पीकर भी मिलेंगे आपको साथ में, दोनों ही वेरिएंट में आपको इसके अंदर जो होता है पार्सल ट्रे देखने को मिल जाएगी। और स्पेस भी बढ़िया है इसके अंदर, ये देख लीजिए आप। हम बैठ के दिखा देता हूँ, ये बिल्कुल, तो काफ़ी सारी जगह है पहले के कंपेयर में, बहुत ज़्यादा है। और ऊपर की जो स्पेस भी बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी पुरानी अल्टो के कंपेयर में। और अभी जो प्राइस है न्यू अल्टो का, ये आपको अभी करंट जो प्राइस है उससे 40-50 हज़ार रुपये अंदर हो सकता है, मतलब 15 से 50 हज़ार रुपये का डिफरेंस मिलेगा आपको प्राइस के अंदर। इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए इसके अंदर। सेम वही की वही पूरी डिज़ाइन है, बस कुछ सेलरियो का मॉडल रखा है फ्रंट और बैक में। जैसे मिरर हो गया, ये आपको बैक है, इसमें 240 लीटर तक के बूट स्पेस मिलेगा। और इसमें बेजिंग दे अल्टो की आपको देखने को मिल जाएगी, K10 का रहेगा इसके अंदर ये। और ये लॉकिंग है, यहाँ से लॉक करके आप ओपन कर सकते हैं। तो और ये सेंसर है। तो यदि ओवरऑल हम लुक देखें तो लुक में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी जितनी लोगों को अपेक्षा थी कि लुक बहुत ही अच्छा आएगा, ये इंजन है पूरा 1000 cc का। तो मिलते हैं नए वीडियो साथ में। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं।